चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कन्यकाभदातो संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब जोर कर बोलो बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री माधव महाराज श्री श्री गोविंद महाराज श्री नारसिंह महाराज सभी श्री सिद्धांति महाराज ऋषिकेश महाराज सब महाराज के चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोगों का अहोभाग्य था क्योंकि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग ने ये ब्रजमंडल परिक्रमा करने का हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन नियम है एक महीना तक तो हमने परिक्रमा की है, लेकिन यहाँ से कुछ लेकर के भी जाना है। यहाँ से खाली हाथों से नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जानी चाहिए। इसलिए हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहा करते थे, मैंने साल में वो तीन उत्सव करते थे जिसको चार बैटरी को चार्ज करते थे हैं, जैसे बैटरी को चार्ज करनी चाहिए। कहते एक तो श्री नवद्वीप परिक्रमा जिसमें 10-15 दिन भक्त लोग आकर के वहाँ पर हरि कथा कीर्तन हुआ करता था। फिर ये ब्रजमंडल परिक्रमा ये करी करी एक महीना, हम शायद 10-15 दिन भी यहाँ पर ब्रजमंडल परिक्रमा होती है। और एक श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, ये सालों में उन्होंने तीन बार भक्तों को बुला करके हरि कीर्तन हरि कथा वैष्णव संग करके सभी का हृदय में ये भक्ति की जो भावना उतारना किया है। कदी ये एकादश स्कंध में उसमें जो नेमी और नव जोगेंद्र जो संवाद है कदी बड़ा दिव्य संवाद है। हम कोशिश करेंगे एक संवाद को श्रवण करनी चाहिए। बोले जिस समय में द्वारका में बहुत बड़ी भारी यज्ञ हो रहा था, जो थी महायज्ञ, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, जहाँ पर बड़े धूमधाम से गैया घी चंदन की लकड़ी, जहाँ पर स्वयं कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव कृष्ण की 16,100 पट रानियाँ, जहाँ पर और बड़े धूमधाम से इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा सब स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। जब वो ज्योति धीरे धीरे नीचे आया, देखा वो ज्योति नहीं कोई एक इंसान है, लेकिन वो ज्योति जब नीचे आ गया देखा वो इंसान है नहीं श्री नारद ऋषि की देखा उन्हें श्री नारद जब आ गए तब वसुदेव महाराज वहां पर खड़े होकर के बोले यज्ञ बंद करो।
यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो काम के लिए यज्ञ कर रहे थे ये यज्ञ तो साक्षात मूल दर्शनम कहते एक में तो दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, जिसको भगवान राम भी यही बात कहते हैं, बोले बड़े भाग मानो स तन पाबा, बड़े भाग मानो स तन पाबा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ न गावा, बड़े भाग मानो स तन पाबा। कहते ये जो मानव शरीर है बड़े भाग्य से मिलता है, बोले जिस भाग्य इतने दुर्लभता है, बोले सुर दुर्लभ ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ, जगत में पुण्य कर्म करके स्वर्ग तो जा सकते हैं लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई कर्म नहीं, फिर कर्म करके फिर ये मानव शरीर पा सकते हैं, जिसके लिए भगवान राम कहते हैं।